आज पूरे देश में श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के उत्सव पर हर कोई श्री कृष्ण के रंग में रंगा है और उनकी पूजा अर्चना करने में मगन है। मंदिरों को इस खास मौके पर बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। नंदलाल के जन्मोत्सव पर की गई विशेष सजावट को देखने और भगवान कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हैं। इस खास मौके पर मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और आज रात होने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस महोत्सव पर जबलपुर के 400 साल से ज्यादा पुराने पंचमठा मंदिर में बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। भगवान का जन्म हुआ है आज के दिन और विशेष महत्व ये है कि आज के दिन भगवान ने जन्म लिया था सबके दुखों संकटों को दूर करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए, दुराचारी को मिटाने के लिए। भगवान जन्म का श्रद्धा पूर्वक हम जन्म मनाएं, हमारे भी पाप नष्ट हों, हमारे दिमाग से भगवान दुराचार को दूर करें, सुख समृद्धि प्रदान करें। रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म मनाया जाता है। संकट मोचन हनुमान मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है। रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म मनाया जाएगा और उसके बाद प्रसाद वितरण किए जाएगा। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 400 साल पहले 16वीं सदी में राधाष्टमी पर की गई थी और तभी से मथुरा की तरह यहाँ भी कन्हैया का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ आस्था से पूजन करने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इसे लघु काशी भी कहा जाता है।